दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो कवर करते हैं पूरी डिटेल, बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और ये नोटिस जारी हुआ था, ये जो है 30-31 जुलाई 2023 के लगभग में नोटिस जारी हुआ है। और ये नोटिफिकेशन आया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड से। तो देखिए, विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर छात्र हित में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु निम्नलिखित विभागों में शैक्षिक सत्र 22-23, 23-24 हेतु रिक्त शैक्षिक पदों में सापेक्ष आंतरिक व्यवस्था हेतु गेस्ट फैकल्टी अतिथि विख्याता के रूप में दिनांक 31 दिसंबर 2023, यानी कि आप इस पद पर बने रहेंगे। और कह रहे हैं आगे, अन्य कोई प्रशासनिक आदेश निर्गत होने तथा संबंधित विभागों में नियुक्ति नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो अतिथि व्याख्याताओं हेतु स्वीकृत मानदेय 500 रुपये पर डे या प्रतिवाद अधिकतम 35,000 रुपये प्रति माह स्वयं पोषित पाठ्यक्रम में आय व्यय के आधार पर नितांत अस्थायी तौर में नियुक्त किए जाने हेतु UGC विनियम 2018 के तथा संदर्भ में उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत शासन आदेश में सहायक प्राध्यापकों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षित अर्हता धारक इच्छित दायित्व सादे कागज पर आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति सहित वित्तीय अधिकारी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के रुपये 1,000 रुपये मात्र सामान्य वर्ग के लिए और 500 रुपये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बैंक ड्राफ्ट पोस्टर आर्डर विश्वविद्यालय रसीद नगद जमा के साथ आवेदन पत्र सहित विश्वविद्यालय में दिनांक 8 अगस्त 2023 को विज्ञान सकाय के अंतर्गत रसायन विज्ञान भू विज्ञान भौतिक विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी माइक्रोबायोलॉजी एवं फार्मेसी विभाग कृषि मानविकी संख्या और फॉरेंसिक साइंस 9-8-2023 के भूगोल संगीत तबला संस्कृत समाजशास्त्र टूरिज्म वाणिज्य संख्याय प्रबंधन अध्ययन संख्याय दृश्यकला स्वयं पोषित के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद भवन पूर्ववर्ती तथा हेरिटेज कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल पर नैनीताल में प्रातः 10:30 और 1:30 तक वाक्य फिंटर आयोजित किए जाएंगे। इच्छित अभ्यर्थियों से आवेदन 11:30 तक जमा किए जाएंगे। तो देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में है। तो रसायन विज्ञान में टोटल 1 पोस्ट जनरल की है, भूगोल में 1 पोस्ट जनरल की है, भू विज्ञान में 4 पोस्ट हैं, 1 SC 1 OBC 2 जनरल की हैं, संगीत तबला में 1 पोस्ट OBC है, संस्कृत में 1 पोस्ट जनरल की है, भौतिक विज्ञान में 2 पद हैं, 1 SC का 1 OBC का, समाजशास्त्र में 2 पद हैं, 1 जनरल का 1 OBC का, वाणिज्य में 2 पोस्ट हैं जनरल के हैं, जैव प्रौद्योगिकी में 1 पोस्ट है, EWS में है, माइक्रोबायोलॉजी में 1 पोस्ट है, फार्मेसी में 2 रिक्त पद के सापेक्ष 2 स्वयं वित्त पोषित पाठक में अंतर्गत 1 OBC और 1 जनरल है, प्रबंध अध्ययन संख्या में 1 पोस्ट है जनरल की है, दृश्यकला स्वयं वित्त पोषित पाठ्यक्रम में देख सकते हैं, छापा कला 1 पोस्ट है, व्यवहारिक कला 1 पोस्ट है, और कृषि मानविकी संख्याएँ स्वयं पोषित पाठ्यक्रम में 1 पोस्ट है, मूर्तिकला में 1 पोस्ट है, पर्यटन वित्त पोषित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 1 MBA और 1 BHM की रिक्वायरमेंट है, MCS फार्मासिक साइंस में टोटल 3 पोस्ट हैं जनरल की, 1 SC की और 1 OBC की है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। जो डेटा इन्होंने मेंशन की हुई है देख सकते हैं आप डेटा इसकी, 8-9 में आपके इंटरव्यू होने। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना।